नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं फिर एक बार लखनऊ में हूं और फिर एक बार मेरी मुलाकात हुई है पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे जी से। और आपको याद होगा कि पिछली बार राजेश पांडे जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी सुनाई थी और उस वक्त उन्होंने वादा भी किया था कि अगली बार जब भी मेरी मुलाकात होगी इनके साथ, चाहे मुंबई में या लखनऊ में, तो ये मुझे मुंबई अंडरवर्ल्ड का किस्सा जरूर सुनाएंगे। तो आज हम मुंबई अंडरवर्ल्ड की एक कहानी राजेश जी से सुनने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने इनकी किताब ऑपरेशन बजूका अब तक पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। अगर पढ़ी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि किताब आपको कैसी लगी, क्योंकि पिछली बार बड़े ही संक्षेप में इन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी हमें सुनाई थी, लेकिन अगर उसको डिटेल में आपको पढ़ना है और पूरा ड्रामे का, जिस तरह से पूरा ड्रामा हुआ था, अगर वो कहानी आपको सुननी है, किस ड्रामेटिक तरीके से उसको ढूंढा गया था, फिर उसका एनकाउंटर हुआ, वो सारी रोचक कहानी उस किताब में है। तो ऑपरेशन बजूका अगर अब तक आपने नहीं पढ़ी है तो उसको जरूर पढ़िए। तो आइए हम राजेश जी से कहानी शुरू करते हैं, राजेश जी से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह से एक ऐसा डॉन जो कि भारत से भागकर पाकिस्तान में बस गया, लेकिन उसने अपने एजेंट्स भारत के दूसरे पड़ोसी देशों में भी पैदा कर रखे थे, तो उनमें से एक का खात्मा कैसे हुआ और वो एजेंट कौन था। राजेश जी नमस्कार। जितेंद्र जी, आज फिर मुलाकात आपसे हुई, बहुत अच्छी बात है। पिछली बार के वादे के मुताबिक हम आपको मुंबई अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड किस्सा जरूर बताएंगे। जिसकी बात आप कर रहे हैं कि जाके पाकिस्तान में बसा, मुंबई बम ब्लास्ट के बाद जब कम्युनल लाइंस पे डी कंपनी का डिवीजन हुआ, तो उसमें जो छोटा राजन से रिलेटेड या बबलू श्रीवास्तव से रिलेटेड ये लोग थे, ये सब नेपाल आके बसे और जितने दाऊद से रिलेटेड थे वो दुबई और पाकिस्तान जाके बसे। लेकिन दोनों के बीच राइवरली बड़ी ज़बरदस्त हो गई, वो इनके आदमी ये उनके आदमी, ये सब मारकाट इन लोगों ने शुरू कर दी। 90 के दशक में एक और बड़ा फिगर उभर कर आया, मिर्जा दिलशाद बेग। ये नॉन एसोसिएट था दाऊद का, लेकिन चूंकि ये यूपी का रहने वाला था, बेसिकली देवरिया का रहने वाला था, ये नेपाल गया व्यवसाय के सिलसिले में, इसी सब के सिलसिले में, और फिर जाके उसने नेपाली नागरिकता ले ली और यहाँ तक वो उसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया कि बाद में वो नेपाल की पार्लियामेंट में बतौर मेंबर पार्लियामेंट पहुँच गया। क्या कारोबार करता था वहाँ पर? कारोबार सब वही इसका तस्करी का काम जितना था वहाँ पर, गोल्ड की स्मगलिंग का काम और अपने लोगों को इकट्ठा करने का काम, जो भारत से चुराई गई कारें जो होती थी उनको। दूसरा जो सबसे बड़ा काम 90 के दशक में उसने किया कि कलकत्ता से, दिल्ली से और मध्य भारत से, और मुंबई की भी कुछ घटनाएं थी, जो प्रोफेशनल ऑटो लिफ्टर थे उनसे संपर्क किया, आप गाड़ी उठाइए और उसे फला फला रास्ते से लेके आप वहां पहुंचिए। उसका एक बड़ा भारी अहाता था, हाता कहते थे, मिर्जा दिलशाद बेग का हाता। उसमें गाड़ियां लाइन से खड़ी होती थी और एट ए टाइम 500 गाड़ियां खड़ी होती थी, मारुति अलग खड़ी होती थी, फीएट अलग खड़ी होती थी, उस जमाने की जो बड़ी एम्बेसडर अलग खड़ी होती थी, और सब पे प्राइस टैग होता था। कलकत्ता से गाड़ी अगर उठी तो मिर्जा दिलशाद बेग के हाथे में, लखनऊ से उठी तो मिर्जा दिलशाद बेग के हाथे में, दिल्ली से उठी और मुंबई से उठी तो, और चूंकि पैसा वो नगद तुरंत दिया करता था तो चोरों के लिए भी आसानी थी कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे और हमें इसको बेचने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। वहां गए, उसका बाकायदे कैश काउंटर था, उसने दो चार बार देखा क्या मेक है क्या है और उसका पैसा नगद दे दिया, वो दे के चले गए। बड़ा इंडस्ट्रियल स्केल पे चोरी का, इंडस्ट्रियल स्केल पर चोरी करता था। दो रास्ते थे, एक तो दार्जिलिंग की तरफ से था, दूसरा सोनौली की तरफ से था ये रास्ता। बड़ी कोशिश की गई, उसका एक बड़ा डेयरिंग एग्जाम्पल हम बताएं, बात ये 90s की है। लखनऊ में एक एडीएम थे, बड़े पॉपुलर एडीएम थे, उनकी बेटी की शादी तय हुई तो उन्होंने एक फिएट गाड़ी मंगवाई और अपने घर के बाहर उसे खड़ा कर दिया। शादी होने में 5-7 दिन का समय था, तीसरे दिन रात में वो गाड़ी गायब हो गई। एडीएम थे, पुलिस भी चौकन्नी हुई, ढूंढा जाने लगा और जितने ऑटो लिफ्टर थे, बातचीत करते करते ये पता लगा कि साहब ये गाड़ी उठी और नेपाल पहुंच गई।
लोगों ने कहा साहब आप किसी को भेज के गाड़ी की खरीदार के हैसियत से वहाँ जाए, गाड़ी देख कर आए, तब फिर कोशिश की जाएगी कि ये कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। अगले दिन एक टीम रवाना हुई और ये देखा कि गाड़ी उनके हाथे में खड़ी हुई है बिकने के लिए। लोकल आदमी जो वहाँ का नेपाल का होता तो उसे कम दाम में देते थे और अगर बाहर का आदमी हो तो उसे ज़्यादा दाम में देते थे। जब वो गाड़ी उन्होंने लोकेट कर ली तो ये हमारी गाड़ी है, नेपाल पुलिस से संपर्क किया गया, बड़ी कोशिश की गई, लेकिन उस जमाने में 20-25 हज़ार रुपये उन्हें देने पड़े, तब वो अपनी गाड़ी चोरी होने के 8वें दिन यहाँ पर मतलब नेपाल पुलिस को रिश्वत देनी पड़ी यहाँ से चुराई गई गाड़ी वापस लाने के लिए। नहीं, मिर्जा दिलशाद बेग ने लिए पैसे, उसने किसी तरह से कंसेशन नहीं किया। और जिस गाड़ी के पीछे बहुत से लोग हों तो डिसमेंटल करने का, उसको गाड़ी को काटना कहते हैं, उसके गैराजेज वहां बने हुए थे, तुरंत का तुरंत डिसमेंटल हो जाती थी, नंबर एक। दूसरा ये था कि दाऊद से रिलेटेड या कहीं का भी बड़ा अगर कोई अपराधी हो तो उसको शेल्टर दिया करता था वो, और शेल्टर भी ऐसा वैसा नहीं कि कोई भी आए और पकड़ के या सूचना लेके चला जाए, अगर उसने शेल्टर दिया है तो कोई नहीं जा सकता। लखनऊ का एक बड़ा अपराधी था आजम घोसी, यहाँ पर एक बड़ा सेंसेशनल मर्डर किया। मर्डर करने के बाद वो बबलू श्रीवास्तव के लोगों के संपर्क में आए, क्योंकि बबलू भी यहीं का रहने वाला है, और बबलू श्रीवास्तव के कहने पे और या उसकी सिफारिश पे वो पहुंच गया मिर्जा दिलशाद बेग के यहाँ, और वहीं पर वो उसको छिपा के क्या, वहाँ तो आप फ्रीली रहिए, बाहर का कोई आदमी नहीं आ सकता। लोकल पुलिस को ये बात घूमते घूमते पता लग गई कि साहब ये वहाँ पर है। राजा रामपाल इस समय बहुत तपा हुआ इंस्पेक्टर हुआ करता था लखनऊ में, उस जमाने में 90s में जो लोग जी पुलिस वालों के संपर्क में थे, राजा रामपाल की तूती बोला करती थी। कप्तान ने, DIG ने, सब लोगों ने कहा कि भाई आप जाइए और कैसे भी करके आजम घोसी को वहाँ से निकाल के ले आइए। राजा रामपाल के नेतृत्व में 8-10-20 लोगों की एक टीम बनी, टीम बन के वहाँ गई, लेकिन इनके पहुँचने के पहले दिलशाद बेग को ये पता लग गया कि लखनऊ से कोई टीम आई है और जिसको हमने छिपा के रखा है उसको पकड़ने के लिए। उसके आदमियों ने घिरवा लिया, इनके असलहे छीन लिए, कपड़े उतार लिए और बहुत बेइज्जत किया, फोटोग्राफ भी खींची। एक सिपाही ने कुछ आनाकानी की, उसकी आंख निकाल ली। अब चूंकि पुलिस वालों के साथ हुआ था, मन महसूस के आदमी ये रह गया, सब लोग लौट के आए, और तभी ये तय कर लिया गया कि ये अब कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो ये मिर्जा दिलशाद भाई एक तो हमारी गाड़ियां यहाँ से चोरी करके जाएँ, जिनकी गाड़ी है वो पैसा खर्च करके वापस ले आएँ, और अगर पुलिस जाए तो उसके साथ ये व्यवहार हो। खैर, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी बहुत परेशान थी, क्योंकि ISI उससे कई ये काम करा चुकी थी। जैसे आपको ध्यान हो, विक्रम वाही एक बड़ा चर्चित नाम हुआ था अंडरवर्ल्ड में, जब इनकी कैसेट्स वाले कौन थे, ये गुलशन कुमार की हत्या के बाद, तो वो चूंकि दाऊद के अगेंस्ट, दाऊद के इच्छाओं के विरुद्ध वो काम हुआ था, तो विक्रम वाही को मरवाने के लिए उसने मिर्जा दिलशाद बेग को कांटेक्ट किया कि इसे मरवाना है। मिर्जा दिलशाद बेग विक्रम वाही को नेपाल ले गया और उसके दो हाथ और दो पैर तो नेपाल की सीमा में, दो हाथ दो पैर भारत की सीमा में, और धड़ का हिस्सा जो वो बिल्कुल जो बीच का नो मैंस लैंड होती है वहाँ पड़ी हुई थी। अब आप सोच लीजिए किस कदर कैसा वो आदमी रहा होगा और ISI उससे किस किस तरह के काम कराती होगी। फिर ये तय हुआ कि कुछ भी हो, बबलू श्रीवास्तव को उसके संबंध सबको पता थे, बबलू नैनी में था, बबलू से बात की गई, लोकल पुलिस ने जाके बात की, भाई बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने बात की, सभी परेशान थे उससे, और ISI का ऑपरेशन बिल्कुल हमारे सिर पे चढ़ के वहाँ से ऑपरेट हो रहा था, इसके लिए एजेंसीज बहुत परेशान थी। तो बहरहाल संपर्क किया, प्राइमा फेसी बबलू ने मना कर दिया, उसने कहा देखिए मुझसे उसके बड़े अच्छे संबंध हैं, हम उसके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते। फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने संपर्क किया कि भाई वहाँ तुम्हारे ही कॉन्टेक्ट हैं, वो तुम्हारा आदमी है, तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से बबलू राजी हुआ। बबलू ने अर्चना शर्मा, उज्जैन की रहने वाली थी, पहले ये बाबला म्यूजिक पार्टी चलती थी, उसमें ये बाबला में ये साथ थी, फिर ये दुबई गई, दुबई में ये इरफान गोगा के चक्कर में आ गई, फिर इसके अपने हस्बैंड से इसे प्रॉपर्टी का झगड़ा हुआ तमाम, फिर इसने दूसरी एक शादी की,
तमाम झगड़े हुए इसके। उसके बाद से वो किडनैपिंग जितनी बड़ी उस जमाने में हुई थी उन सब में अर्चना शर्मा का इस्तेमाल बबलू ने किया था। इसने अर्चना से कहा कि आप वहाँ जाइए और आपके रहने का सब इंतज़ाम मिर्जा दिलशाद बेग करेगा, उसको किसी बहाने से अपने यहाँ बरगला के, क्योंकि वो हनी ट्रैप की तरह ही उसका, उसने हर जगह हर किडनैपिंग में, अर्चना शर्मा कम से कम 10 किडनैपिंग में वांटेड है। लास्ट जो है वो कलकत्ता में जब इनकाउंटर हुआ था, मंगे पकड़ा गया था, उस समय अर्चना शर्मा भी साथ थी लेकिन वो भाग गई थी। बहरहाल उसने कहा तुम जाओ, तुम्हारा सब इंतज़ाम हो जाएगा। मिर्जा से कहा कि भाई वो एक लड़की है, कई मुकदमे उस पर कायम हो गए हैं, बहुत परेशान है, उसको कहीं अपने इलाके में आसपास रुकवा दो। तो पहले जो जगह तय की गई वो बहुत अच्छी नहीं थी। अर्चना ने कहा कि नहीं मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। फिर इससे कहा गया, मिर्जा से बबलू ने कहा कि अच्छी जगह रुकवाओ कहीं पर, तो उसे मिर्जा ने एक अच्छा सा फ्लैट और ये सब दिलवा दिया। ये कहा गया कि तुम खाना खाने के लिए बुलाना, उसको बताया गया तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, किसी तरह बनाना। उस फ्लैट जहाँ दिलवाया गया था उसके ठीक नीचे एक पीसीओ था, फ्लैट में बालकनी भी थी। पीसीओ पे फरीद तनाशा और मंगे, मंजीत सिंह मंगे, ये दो और दो लड़के और मुंबई के चार लोगों को वहाँ बबलू ने खड़ा किया था कि जब वो जाएगा भीतर खाना खाने तो ये किसी न किसी, मोबाइल फोन तो थे नहीं, किसी न किसी तरह इशारा कर देगी, उसको सीढ़ी से उतरते ही वहीं मार लेना और अर्चना वहां से अपना चली आएगी, बाकी तुम लोग भी चले आना। तो 10 दिन तक किसने बार बार कोशिश की, फिर इसने फोन उठाना बंद कर दिया मिर्जा दिलशाद बेग ने अर्चना शर्मा का। तो इसने शिकायत की बबलू से कि मैं कई बार बुला चुकी हूँ, आता नहीं है। तो फिर ये तय हुआ कि अच्छा ठीक है, मिर्जा से कहा कि भाई वो परेशान है वहाँ अकेले रह रही, उसे ये तो भरोसा हो कि तुम उसकी मदद करोगे, वो नॉनवेज बहुत अच्छा बनाती है और ये बनाती है वो बनाती है, और वो किसी दिन चले जाओ उसका खाना खा लोगे तो उसे थोड़ा संतोष हो जाएगा, और फिर जो उसकी परेशानी है कहीं की पुलिस पहुँच जाएगी, वो लोग पुलिस कहीं की नहीं आएगी, आप बेफिक्र रहिए, लेकिन ठीक है आप कह रहे हैं भाई तो हम चले जाएंगे। फिर बबलू ने उसको कम्युनिकेट किया कि अब की बार फ़ोन करना, अब वो आ जाएगा खाना खाने के लिए। ऐसा ही हुआ, तारीख थी 29 जून 1998, इसने फोन किया, वो और उसको बताया कि मैंने मटन बनाया है, ये बनाया, जो भी नॉन वेज की डिश उसने सब बताई कि बनाई है, और फरीद तनाशा और मंगे पीसीओ पे खड़े हुए थे। उसने ये कहा था कि हम जब वो आएगा पहले थोड़ी देर बात करेंगे, पानी पिलाएंगे, और उसके बाद हम अगर बालकनी में तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो ये समझ लो कि आ गया है वो, और बिल्कुल जैसे ही वो सीढ़ी से उतरे वहीं मार लेना। बात बिल्कुल तय हो गई, अर्चना शर्मा गई ऊपर, इससे बातचीत शुरू हुई, पानी वानी पिया, और उसने कहा कि हम 2 मिनट में लगाते हैं खाना आपका। भीतर वो गई और वहाँ से वो चली गई उस पर बालकनी में, वहाँ से आँख से इशारा किया दोनों को, फरीद तनाशा को भी और मंजीत सिंह मंगे को भी। लेकिन इसी बीच में, शायद उसकी इस हरकत की वजह से या इसी बीच में, मिर्जा दिलशाद बेग को कुछ शक हो गया, और जैसे ही वो खाना बताने आई कि खाना लग गया, उसने कहा नहीं अब हम खाना नहीं खा पाएंगे, हमें बहुत ज़रूरी काम हो गया है और मुझे फौरन पहुंचना ही पहुंचना है, कुछ झंझट ज़्यादा हो गई है। उसने कहा नहीं नहीं खाना खा के जाइए, उन्होंने कहा सवाल ही नहीं है। ये कह के उठा और जो दूसरी सीढ़ी थी उससे वो उतर के, गाड़ी उसने जहाँ खड़ी कराई थी, क्योंकि दूर गाड़ी खड़ी करा के ही वो किसी के यहाँ जाया करता था, भागते हुए वो अपनी गाड़ी पर चढ़ गया। जैसे ही वो वहाँ से भागा, ये जिस सीढ़ी से उसको उतरना था उससे उतरकर सीधे अर्चना आ गई इनके पास, बोली वो तो पीछे वाले रास्ते से चला गया। तो ये मोटरसाइकिल पे, 2 मोटरसाइकिलों पे 4 लोग थे, फरीद तनाशा और मंगे 1 मोटरसाइकिल पे थे, बाकी दोनों लड़के जो बुलाए गए थे सब पे पिस्टल थी। ये वहाँ से पहुँचे हैं, तो ये चाहबिल के इलाके में इसका घर था, मिर्जा दिलशाद बेग के दूसरी बीवी का घर था। तो ये वहाँ गाड़ी से उतरा है, घर के भीतर जा ही रहा था कि मंगे ने उसको आवाज़ दी, मोटरसाइकिल खड़ी की, चला वही रहा था, उसने आवाज़ दी कि मिर्जा भाई, और वो एकदम पलट आ रहे, बोले मंगे भाई कहाँ तुम, यहाँ कहाँ देखा, बोले बस देख लिया मैं तुम जा रहे हो। और जब तक कि उसके मुँह से दूसरे कोई शब्द आते तब तक फरीद तनाशा ने उसे 6-7 गोलियाँ मार दी और वो वहीं ठंडा हो गया। फ़ौरन ये लोग मोटरसाइकिल से पहुँचे उसके यहाँ, अर्चना शर्मा के यहाँ, उसने वहाँ से अपनी टैक्सी की और सीधे निकल के हिंदुस्तान आ गई। और उसके बाद ये फरीद तनाशा और मंगे, ये दोनों
मुंबई भाग गए। तो ये किस्सा बहुत दिन तक किसी को पता नहीं था। फरीद तनाशा का जब मर्डर हुआ था उसी के आसपास ये मुंबई पुलिस को पता लगा कि एक्चुअली जिजात बेग को मारा किसने था, क्योंकि बहुत ढेर सारी किसी क्योंकि उसके पहले कहानी ये चल रही थी कि छोटा राजन ने मरवाया दिलशाद बेग को, सब कहने की बात। और फरीद तनाशा के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो छोटा राजन का आदमी था, तो क्या बबलू श्रीवास्तव के जेल जाने के बाद वो छोटा राजन से जुड़ गया था? देखिए ऐसा है ना, 95 में बबलू श्रीवास्तव वहां से एक्स्ट्राडिट करके सिंगापुर से यहाँ आ गया था, लेकिन कॉन्टेक्ट उसके सब वही थे। और ज्यादातर लोग छोटा राजन के भी सारे लोग नेपाल में ही पनाह पाते थे, क्योंकि वो मुंबई में रह नहीं पा रहे थे दाऊद की वजह से, पाकिस्तान या दुबई वो जा नहीं सकते थे, तो सब वहीं रहते थे। और इसके बड़े अच्छे संबंध थे मिर्जा दिलशाद बेग के और बबलू से, बहुत अच्छे संबंध थे, और इसीलिए उसने दो बार मना कर दिया था। लेकिन एजेंसी जितना परेशान हो गई थी, अच्छा वो चूंकि जब MP हो गया तो उसके और बड़े वाइड उसका क्षेत्र हो गया, तब उसने जो है, और जब लखनऊ की पुलिस के साथ ये हुआ तो उसको थोड़ा वो दबाव महसूस करने लगा कि लखनऊ के लोग, रहने वाला लखनऊ का ही है, और वहाँ अपने अपने एक कोई GST के कमिश्नर थे, टैक्स के कोई कमिश्नर थे, जो दूर दराज से इसके पारिवारिक रिश्तेदार भी थे जो उससे मिला करते थे। पुलिस ने उन्हीं के थ्रू बातचीत कराई थी और पहली बार उसने मना कर दिया, दूसरी बार राजी हुआ, अर्चना शर्मा का इस्तेमाल किया। उसके बाद से फिर अर्चना शर्मा का कभी पता लगा नहीं, क्योंकि 98 में लास्ट टाइम वो भुवनेश्वर में देखी गई। बहुत से लोग, अभी आप नेट खोलेंगे तो कुछ लोग कहते हैं अमेरिका में रह रही है, ये सब फालतू बातें हैं, वो कहीं मारी गई है। और उसको तो ढूंढ रहे थे इसके मिर्जा दिलशाद बेग के लोग भी ढूंढ रहे थे, दाऊद के लोग भी ढूंढ रहे थे, तमाम एजेंसीज ढूंढ रही थी, लेकिन 98 में भुवनेश्वर के बाद उसका कहीं पता नहीं लगा, अंडरवर्ल्ड के लोगों को भी नहीं पता लगा। तो ऐसा लगता है कि उसे कहीं मार के और फेंक दिया गया। ये कहानी थी आपकी भाई। धन्यवाद राजेश जी इस दिलचस्प कहानी को सुनाने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरह से दाऊद और ISI का एक एजेंट मिर्जा दिलशाद बेग, जो कि नेपाल में रहकर इनके लोगों को शह देता था, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को संरक्षण देता था, उस शख्स का खात्मा किस तरह से करवाया गया। तो आगे भी मेरी राजेश जी से मुलाकात होती रहेगी और इस जैसे मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े किस्से हम उनसे सुनते रहेंगे। धन्यवाद।